नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया सेशन, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। दोस्तों आज 11 सितंबर है, कल 10 सितंबर था और 10 सितंबर को हर साल हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं। आत्महत्या अगर लोग कर लेते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं, तो उसे प्रिवेंट करने के डे को हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे बुलाते हैं, सितंबर 10th। सो दिस इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पर्टिकुलर डेज के बारे में। तो समझते हैं इंडिया का क्या कंडीशन है सुसाइड में और व्हाट आर द नंबर्स और क्या रीजंस है सुसाइड के। अलग अलग स्टेट्स में, सिटीज़ में हाउ डू दे परफॉर्म। एंड जस्ट वन थिंग दोस्तों कि इंडिया में हर 4 मिनट में, लास्ट ईयर 2019 में हर 4 मिनट में एक सुसाइड हुआ। एक पर्सन ऐसा था जो, कोई भी एक पर्सन ऐसा था जो वॉलंटरिली अपना लाइफ ख़त्म कर दिए। तो ये है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। सो देर वॉज अ सुसाइड एवरी 4 मिनट समवेयर इन द कंट्री 2019 में, और 1,40,000 लोगों की मौत इस तरीके से हो गई, जो कि 9.4% ज्यादा है ओवर द पास्ट डेकेड, अगर हम 10 साल में देखें तो। तो ये 9.4% बढ़ा है, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ा है, बट अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन पहले इतना था तो अब पॉपुलेशन भी बढ़ चुका है, तो रेट ऑफ सुसाइड जो होता है, रेट ऑफ सुसाइड बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी आगे आपको काम आएगा, इट इज द नंबर ऑफ सुसाइड्स पर लाख। तो अगर हम पर लाख पॉपुलेशन में देखेंगे तो हमारा रेट कम हुआ है, 10.9 था पहले और अब 10.4 हो गया। सो इन दैट वे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया तो इस वजह से शेयर कम हो गया है, पर लाख पॉपुलेशन का कम हो गया सुसाइड, लेकिन ऐसे नंबर ऑफ सुसाइड्स बढ़े हैं। सो देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग पैरामीटर्स हमें देखना ज़रूरी है। सो सुसाइड रेट एंड केसेस अमंग मेजर सिटीज़, हम थोड़ा मेजर सिटीज़ में देखते हैं कौन सा सिटी लीड करता है। इंदौर दोस्तों लीड करता है सुसाइड रेट में, 28.5 पर लाख पॉपुलेशन में एक साल में ऐसा हुआ है। एंड ये रेट है और नंबर ऑफ केसेस लेकिन उनके कम है। चेन्नई में 28.3 एंड 2461 इट लीड्स दोस्तों। चेन्नई सॉ द मोस्ट सुसाइड डेथ्स एंड हाईएस्ट रेट, एंड कोलकाता का सबसे कम है दोस्तों, कोलकाता का सबसे कम है। एंड अगर हम मेजर सिटीज़ का बात नहीं करें, मेजर सिटीज का बात अगर ना करें तो कोलम में सबसे ज्यादा है और फिर आसनसोल में। कोलम में 41.1 पर लाख, आप सोचिए 41.1 पर लाख, और आसनसोल में 37.8। ओके, स्टेट सुसाइड रेट्स क्या है, स्टेट के हिसाब से भी अगर देखें तो हम तो छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है, लेकिन इसमें भी आप ये देखिए 2009 से 2019 को कंपेयर करिए, 2009 से 2019 में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स है, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स, वेरी वेरी गुड। सो मतलब मेनी स्टेट्स हैव शोन रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट्स, सिक्किम बीइंग द हाईएस्ट, ये सब इम्प्रूवमेंट्स हैं, सिक्किम बीइंग द हाईएस्ट 33.1, बिहार 0.5 एंड अंडमान 45.5, यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट है अंडमान का, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स बहुत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट केसेस, कॉजेज ऑफ सुसाइड्स। अब कॉज आपको क्या लगता है क्या होगा, अगर आप देखेंगे मेन कॉजेज फैमिली प्रॉब्लम और इलनेस ही होते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर आप उसमें भी देखो तो फैमिली प्रॉब्लम्स किस तरीके से 2009 में 23.7 थे और इस बार बढ़ गया। तो बिगेस्ट कॉज तो हमेशा फैमिली प्रॉब्लम और यही रहे हैं, लेकिन बैंक्रप्सी अगर आप देखोगे, बैंक्रप्सी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक्रप्सी 2.5 था, 4.2 हो गया, दिस हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, अल्कोहल एडिक्शन, बैंक्रप्सी, ये सब 2.3 से 5.6, ये बहुत खराब फिगर्स है, ये वाले मैरिज रिलेटेड भी बढ़ गए। और अगर आप बैंक्रप्सी मेजर रीजन अगर आप देखोगे तो ये कहाँ के होते हैं, जहाँ पे फार्मर सुसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब यहाँ पर ज़रूरी है। और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा झारखंड, और अनएम्प्लॉयमेंट भी अगर आप देखोगे झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। स्टूडेंट सुसाइड्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो स्टूडेंट सुसाइड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा है,
अगर हम नंबर ऑफ सुसाइड्स देखें कि वो कौन से कैटेगरी में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, सो वी सी सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा है, 35% तो उन लोग ही बिगेस्ट चंक उन लोग खा जाते हैं, हाउसवाइफ सेकेंड है, लेकिन आप स्टूडेंट का एक और परसेंटेज देखिए, 5.3% से 7.4%, दिस इज ह्यूज, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। स्टूडेंट सुसाइड्स हैव रिजन शार्पली, अनएम्प्लॉयड जो है वो भी एक बहुत बड़ा चंक ले रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड जो थे वो भी 7.8% से ज़्यादा है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड का एक बहुत मेजर शेयर है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सुसाइड्स। वी अंडरस्टैंड रीजन्स क्या होगा, क्या रीज़न होगा आप बताइएगा कॉमेंट सेट में दोस्तों, कि आपके हिसाब से क्या रीज़न होगा स्टूडेंट सुसाइड्स और अनएम्प्लॉयड के बढ़ने का, स्टूडेंट के बढ़ने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बताइएगा आप कॉमेंट सेट में दोस्तों। सुसाइड अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, ये लास्ट है दोस्तों, सुसाइड अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, नो एजुकेशन, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट। अब इसमें भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो शेयर ऑफ सुसाइड अमंग अनएजुकेटेड हैज कम डाउन, वो ज़्यादातर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि राइजिंग लिटरेसी लेवल्स और स्कूल एनरोलमेंट, बच्चों को स्कूल में दाखिला ज़्यादा हो रहा है और राइजिंग लिटरेसी लेवल्स की वजह से शायद अनएजुकेटेड लोगों का सुसाइड रेट अब कम हुआ है, पहले से 21.4 था तो वो 12.6 हो गया, दिस इज अ शार्प डिप, बहुत अच्छा है, प्राइमरी में भी कम हो गया, मिडिल में भी कम हो गया, लेकिन 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 सेकेंडरी में देखिए कैसे बढ़ा है, हायर सेकेंडरी में देखिए बढ़ा है, सो एक्सेप्ट मैट्रिकुलेट एंड हायर सेकेंडरी विच आर राइजिंग बाय 5%, और सब नीचे गए, ये सब 5% से बढ़े हैं दोनों, ये दोनों 5% से बढ़े हैं, लेकिन इसके अलावा सब डिप किया है। सो ये दोस्तों कहानी था इंडिया के सुसाइड के नंबर्स का, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, आप इन तीन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा दोस्तों, विच सिटी एंड स्टेट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया, इसका क्वेश्चन नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया, आपके हिसाब से लीडिंग कॉजेज ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया क्या है एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी क्योंकि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो हाउ कैन वी प्रिवेंट सुसाइड्स इन इंडिया, इसके बारे में कुछ कॉमेंट सेट में बताइएगा दोस्तों, प्लीज 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 कॉमेंट सेट में इसको इनका आंसर्स दीजिए, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप प्लीज लाइक कर दिया करिए एक बार आकर, एंड प्लीज लीव डाउन योर सजेशंस इन द कॉमेंट्स थ्रेड, वी विल डेफिनेटली गो अहेड विथ वॉट एवर आपको जो समझ में आता है दोस्तों। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम, ओके दिस इज इट, थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद।